हेलो दोस्तों, देखिए मेरे पास आईटेल A23 जियो का ये मेरा फ़ोन है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस लॉक्ड का जो है इसमें ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है प्लीज इंसर्ट ये वैलिड टू जियो सिम टू अनलॉक डिवाइस, यानी कि ये फ़ोन को जो है अनलॉक करने के लिए इसमें एक जियो का सिम जो है इंसर्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो ही जो है ये मेरा फ़ोन ऑन होगा। इसमें जो है पहले आपको इसमें एक मॉडल दिखा देते हैं इधर बैक साइड में, फिर इसमें एक हम आपको जियो का सिम लगा के इसमें देखते हैं फिर ये मेरा जो है डिवाइस अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटेल A23 जियो, यहाँ पे आईटेल A23 जियो है। एक मेरे पास यहाँ पे जो है एक जियो का सिम है, इसको जो है हम इसमें इंसर्ट करके देखते हैं और देखते हैं मेरा जो है डिवाइस अनलॉक होता है कि नहीं होता है। देखिए मेरा जो है फ़ोन मेरा ये अनलॉक हो चुका है। अब इसमें जो है हम इसमें इसको ऑन होने देते हैं और फिर देखते हैं मेरा डिवाइस उसी तरह आ रहा है या फिर ये मेरा अनलॉक हो गया है। तो चलिए वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए मेरा जो है ये फ़ोन ऑन हो चुका है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो है जियो का मेरा जो है नेटवर्क भी आ गया और मेरा फ़ोन जो है ये बिल्कुल अनलॉक हो चुका है। और इसमें जो है यहाँ पे वॉल्टी भी आ गया है, यानी कि ये आईटेल A23 जियो फ़ोन में अगर इस तरह आपका डिवाइस लॉक का ऑप्शन आता है तो आप जियो का सिम इंसर्ट करें, इसमें जियो का सिम लगाएं, आपका जो है फ़ोन ऑटोमेटिक जो है अनलॉक हो जाएगा। ये जियो सिम का एक तरह सा लॉक है, इसलिए इसमें जो है इस तरह से है। अब इसमें सवाल रहेगा, इसमें सिर्फ ये कि आपका जियो का ही इसमें सिम काम करेगा या फिर कोई दूसरा भी एयरटेल आईडिया ये सब भी कोई दूसरा कंपनी का सिम काम करेगा। तो मेरे पास जो है एक एट इसमें है, यहाँ पे देख सकते हैं टेलीनॉर यानी कि एयरटेल का भी एक मेरे पास सिम है, इसको जो है हम आपको इसमें इंसर्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं मेरा जो है ये एयरटेल का सिम जो है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको हम लगा के देख लेते हैं। पहले बैटरी को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर जो है ये 2 नंबर में हम इसको जो है ये टेलीनॉर यानी कि एयरटेल का जो है सिम लगा लेते हैं और फिर देखते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए मेरा फोन जो है ये ऑन हो चुका है। देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे जो है ये डिवाइस लॉक्ड का ऑप्शन आया था बट ये मेरा जो है ये मेरा ऑटोमेटिक जो है ये अनलॉक हो गया। मेरा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंटर सिम टू पिन रिमूविंग टाइम्स, यानी कि मेरा जो दूसरा नंबर का जो सिम है उसमें मैंने सिम का पासवर्ड लगा के रखा है इसलिए वो पिन जो है यहाँ पे इसमें डायल करने बोल रहा है। तो मैं अपने सिम का जो है पासवर्ड यहाँ पर डायल कर देता हूँ, वो मैंने सिम पासवर्ड लगा के रखा है इसलिए जो है यहाँ पे जो है इसमें पासवर्ड मांग रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये अनलॉक हो चुका है और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरा यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं ये मेरा जो है यहाँ पे ऊपर में मेरा यहाँ पे एक जियो का सिम मेरा काम कर रहा है और नीचे जो है मेरा टेलीनॉर का भी शो हो गया है बट इसमें नेटवर्क नहीं आया है। नेटवर्क देखिए अभी जो है मेरा नेटवर्क आ गया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नेटवर्क भी आ गया है जियो और ये एयरटेल टेलीनॉर। तो यानी कि दोस्तों ये आईटेल A23 जियो में आप जो है आईटेल का भी सिम यूज कर सकते हैं बट इसमें जो है एक आपका जियो का सिम लगा रहना अनिवार्य है, यानी कि बिना जो है बिना जियो का सिम लगाए आप ये फ़ोन को नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये फ़ोन को यूज़ करना है तो आपको इसमें एक जियो का सिम लगाना ही होगा, उसके बाद भी जो है आप एयरटेल का भी सिम चाहते हैं तो एयरटेल और जियो सिम दोनों आप लगा के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो कुछ हेल्पफुल जरूर होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही नया वीडियो इसमें जो है लाता रहता हूँ। तो थैंक यू
और वीडियो को जो है दोस्तों जरूर जरूर लाइक कर दें। थैंक यू।